वेल फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू सक्सेस मंत्र बाय जे मलिक. टुडे आई विल डिस्कस चेक फॉर्जरी. चेक्स में फॉर्जरी कई तरह से होती है. साइन फॉर्जरी हो जाती है, कई और फिगर में फॉर्जरी हो जाती है. तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा जिससे हम चेक फॉर्जरी को रोक सके. तो थोड़ी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि किसी तरह की भी चेक फॉर्जरी ना हो. तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा चेक्स में कैसे कैसे फॉर्जरी नोटिस में आई है, और उसके बाद उसकी प्रिकॉशन क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए ताकि चेक में फॉर्जरी नहीं हो. देखिए, एक ये चेक है मेरे पास. ये चेक आप देखिए ध्यान से, इसको आप देखना. ये चेक है, इसमें डेट 19/6/22 भरी गई है और पे राजेश कुमार 8000 ओनली, और वर्ड्स और फिगर में दोनों में 8 है. तो कई बार क्या होता है, जैसे ये जिसने ये भरा है उसने देखा कि आज 30 जून है और उसने 29 जून भर दिया, तो गलती से उसने सोचा कि ओहो ये तो गलत हो गया, और उसको ऐसे फोल्ड करके और फेंक दिया ब्रांच में ही. तो जो लोग फ्रॉडस्टर होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं फ्रॉडस्टर, वो क्या करते हैं इसी ताक में ब्रांच में घूमते हैं, और वो क्या करते हैं फिर उसी को उठाएंगे और उसी चेक को सीधा करेंगे, और उसका देखिए क्या करेंगे कि उनको पता है कि जो 29 जून है उसकी वैलिडिटी तो देखिए 3 महीना होता है, तो उसको पता है, तो इसको वो प्लेन कर करके और इसकी पेमेंट ले जाएंगे. तो कभी भी कोई भी चेक ऐसे बिना फाड़े उसको ब्रांच में फेंक के नहीं आना चाहिए, और उसमें सिग्नेचर भी उसने कर दिए, बैंक में भी देखिए बैंक में भी उसने दोनों साइन किए हुए हैं, तो इसकी पेमेंट बैंक आसानी से देगा. तो एक तो ये काम नहीं करना चाहिए. दूसरे, हम जब चेक भरें तो उसमें वर्ड्स एंड फिगर में ध्यान रखें. देखिए ये चेक है, इस चेक में 8000 है, तो इसका देखिए कभी 8 का 80 कैसे बनाया जाता है, 8 का 80 और इधर भी 8000 का 80000 वर्ड्स और फिगर में बनाया जाएगा. अभी मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ. तो ये देखिए, या देखिए अब मैंने 8 का 18 किया, तो देखिए उस EIGST Y एक इसमें लगा दिया और इधर एक जीरो बढ़ा दिया. तो ये चेक जो राजेश कुमार ने नीचे फेंक दिया था कि ये तो बेकार हो गया, इसका उन लोगों ने, दूसरे जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं बैंक में, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने 80000 निकाल लिए इसके खाते से. तो कभी भी चेक को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, और भरते टाइम गैप वन वर्ड देखिए 80000 इसमें सिर्फ वाई पुट की गई है, तो ऐसा कभी मत कीजिए, ये बहुत डेंजरस है. ऐसा पाया गया है नोटिस में, ऐसी चीज़ें आई हैं. तो ये थी कुछ चीज़ें. दूसरे, सिग्नेचर देखिए, ये सिग्नेचर सिग्नेचर में क्या है, फ्लो मिलाया जाता है. तो ये सिग्नेचर देखिए, तो इसमें फ्लो है, तो सिंपल सिग्नेचर देखिए मैं करके दिखाता हूँ. सिंपल सिग्नेचर कुछ सिग्नेचर में बहुत ही सिंपल होते हैं, और वो कई बार क्या होता है, ये देखिए अगर ये राजेश कुमार ऐसे सिग्नेचर बैंक में देगा तो कोई भी इस टाइप के सिग्नेचर आसानी से बना पाएगा और पेमेंट ले सकता है. तो ऐसे दूसरे सिग्नेचर का और इस तरह फिगर का मैंने बताया था कि 80000, अब ये देखिए बीच में गैप था, इस गैप को मत रखिए, या तो गैप बिल्कुल ख़त्म कीजिए या फिर एक लाइन इस तरह लगा दीजिए. ये देखिए ये लाइनें लगा दीजिए,
80,000 अलग है। तो इस तरह फोर्जरी से बचा जा सकता है। एक तो सिंपल सिग्नेचर जैसे राजेश कुमार, ऐसे सिग्नेचर, क्योंकि ज़्यादातर क्या है बैंक में ऐसे लोग आते हैं जो अनपढ़ हैं लेकिन खाली सिग्नेचर करना जानते हैं। इससे अच्छा थंब इम्प्रेशन बनाइए, उसमें फोर्जरी के चांसेस नहीं है, क्योंकि उसमें जो पेमेंट है इनकम इंचार्ज ब्रांच मैनेजर उसको पे करता है या ऑथराइज ऑफिसर करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अब प्रिकॉशन में दो चार चीज़ें मैं अभी और बताने जा रहा हूँ चेक के अलावा। देखिए यहाँ क्या है, प्रिकॉशंस में क्या है, चेक फॉर नेवर कीप चेक ऑलरेडी साइन इवन एट होम आल्सो। चेक बुक पर पहले से साइन करके घर पर भी मत रखिए, कहीं मत रखिए। साइन जिस टाइम रिक्वायरमेंट है साइन की, उसी टाइम साइन की करना चाहिए। पहले रखेंगे वो सॉरी किसी के भी हाथ लग सकते हैं, अनऑथराइज पर्सन के साथ लग सकते हैं, घर में कोई छोटी मोटी चोरी हो सकती है, चेक बुक चोरी हो सकती है। तो कभी भी नेवर कीप चेक ऑलरेडी साइन, नेवर ऑलरेडी साइन के चेक साइन करके कभी चेक मत रखिए। दूसरे देखिए, जब लोन लिया जाता है तो बैंक क्या है, बैंक आपसे पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक मांगता है, ब्लैंक चेक। तो वो उसमें क्या गलती होती है, ब्लैंक चेक रिक्वायर्ड फॉर लोन अकाउंट पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक्स विदाउट क्रॉसिंग एंड पे टू, ये पे टू के आगे भरा नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इसमें ऐसा पाया गया है कि कुछ दिनों बाद लोन अकाउंट क्लोज भी हो जाता है, वो जिस आदमी ने लोन किया था हो सकता है उसका ट्रांसफर हो गया हो, तो वो फाइल में रह जाता है और फिर किसी के हाथ लग जाए तो वो क्या करेगा कि उसका यूज कर सकता है, क्योंकि उसमें पे टू तो पे टू के यहाँ भरा ही नहीं है और बाकी खाली है, साइन है सिर्फ। तो बहुत रिस्की है। तो ये जब भी कोई लोन अकाउंट क्लोज हो अपने चेक वापस ले लेने चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी एक तो ये पैरेलल, ये क्रॉसिंग लाइन, ये आपका कॉर्नर जो है लेफ्ट हैंड में कॉर्नर चेक जो होता है, मैं दिखाता हूँ, ये जो चेक का कॉर्नर है इसको क्रॉस कर दीजिए और इसमें पे टू एसबीआई लोन अकाउंट, एसबीआई या पीएनबी या किसी भी लोन का अगर वो अकाउंट है तो उसमें एसबीआई लोन अकाउंट नंबर भरिए, नेम ऑफ पार्टी भरिए, तो उसका मिसयूज नहीं होगा। ये बहुत नोटिस में आया है इस तरह के यूज फोर्जरी की है लोगों ने, तो ये होना चाहिए। और अगर किस इनफॉर्म द कंसर्न बैंक इन केस ऑफ लॉस्ट ऑफ चेक्स, कोई भी चेक अगर लॉस्ट हो जाए या चेक गुम हो जाए तो उसकी फोन बैंक को इतला दीजिए, कंसर्न बैंक को, और उसकी पेमेंट स्टॉप कराइए सिस्टम के अंदर। और चौथा, नेवर साइन ऑन द बैक ऑफ चेक विदाउट इंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक ऑफिशियल। जब तक देखिए इसकी हम पेमेंट लेने आते हैं तो इस चेक की पेमेंट लेंगे तो इसके बैक में पहले से साइन मत कीजिए, पहले से साइन करेंगे तो वो गलत होगा, उसका मिसयूज हो सकता है। तो देखिए ये ड्रॉ सिग्नेचर है, यहाँ पर सिग्नेचर शुरू में किए जाते हैं पेमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद अगर आपने बैक में एक सिग्नेचर टोकन के होते हैं, दूसरे सिग्नेचर पेमेंट के होते हैं, तो काउंटर पर जाके जब वो कहें जो पेमेंट करता है कि एक साइन यहाँ कीजिए वहीं साइन कीजिए, पहले से तीनों साइन करके मत रखिए। तो ये हो गया, नेवर साइन ऑन द बैक ऑफ चेक विदाउट इंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक ऑफिशियल एट द टाइम ऑफ पेमेंट एट द काउंटर। नेवर गेट ए चेक फिल्ड इन थ्रू अननोन पर्सन से कभी भी उसकी हेल्प नहीं लेनी है, उसे चेक नहीं बनाना है। अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप ब्रांच मैनेजर के पास सीधे जाइए और उनको अपनी डिफिकल्टी बताइए। तो ये पांच छह चीजें हैं, ये बेसिक और भी बहुत सी चीजें हैं, तो ये ख्याल रखिए तभी चेक्स फोर्जरी रुकेगी, नहीं तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, लोग आपके पेमेंट को निकाल लेंगे और आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर आप कोर्ट जाते रहेंगे। तो मैंने बताया था 80,000 कैसे बनाया जाता है, इसी तरह और फिगर ऐसी हैं, तो बीच में चेक के बीच में गैप मत छोड़िए। तो देखिए मेरी रिक्वेस्ट है, कहते ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो जागरूक बनिए, सतर्क रहिए
ओके, धन्यवाद, थैंक यू।